हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ यह कद्दू वाली स्पेशल मिठाई। कद्दू के आपने पीसेस तो बहुत खाए होंगे, लेकिन कद्दू के साथ में ये खोए वाली, मावे वाली मिठाई कद्दू को ग्रेट करके बनाइए और ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। आप अवश्य एक बार ट्राई करिएगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने यह कद्दू ग्रेट कर लिया है और इसको अच्छी तरह से पानी से वाश कर लिया। कढ़ाई गैस के पर रख दिया और अब मैं इसमें कद्दू डाल दूँगी। एक किलो में 1.5 किलो चीनी डल जाएगी बड़े आराम से और इसको हम अच्छी तरह चलाते रहेंगे इसी तरीके से। देखिएगा, अब इसमें चीनी डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे। देखिए, भी काफ़ी करना है इसको। चीनी सारी मेल्ट हो गई है इसमें और अब इसको थोड़ा टाइट, मावा मैंने फ्रिज में रखा हुआ था तो इसलिए काफ़ी टाइट हो गया था और इसको भी मैंने ग्रेट कर लिया है, क्योंकि जैसे ही अगर हम फ्रिज का डायरेक्ट मावा इसमें डाल देते कढ़ाई में तो मिक्स करने में हमें थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो इस वजह से मैंने ग्रेट कर लिया था। देखिए, फ्रिज का मावा रखा हुआ कितना टाइट दिखाई दे रहा है। कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे मावा डालते रहेंगे और चलाते रहेंगे और जब तक हमारी चाशनी बनकर तैयार होती है तब तक हम थाली, परात, जिसमें भी हमें बर्फ़ी बनानी है उसमें घी लगा के तैयार कर लेते हैं। और देखिएगा, और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। जितना इसको चलाएंगे उतनी ही टेस्टी हमारी मिठाई बनती है। तो इसको खूब अच्छी तरह चला लेंगे और टाइट होने तक हम इसको चलाते रहेंगे। और फिर अब देखिए, हम इसको ना थाली में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। देखिएगा, और फिर इसको रेस्ट करने के लिए रख देंगे कुछ देर के लिए। 1-2 घंटे में फिर हम इसके पीसीस बना लेंगे। देखिए, यह कद्दू वाली स्पेशल मिठाई बनकर तैयार हो गई है। इसके पीसेस मैंने कट कर दिए थे और ये स्वास्तिक वाले, देखिएगा। देखिए, कद्दू वाली यह मिठाई स्वास्तिक वाली बनकर तैयार हो गई है और यह बेसिकली मैंने कान्हा जी के भोग के लिए बनाई है। वैसे तो मैं हमेशा पेड़ा ही बनाती थी और पेड़ा इस बार भी बनाऊंगी। तो अगर आपको यह कद्दू वाली स्वास्तिक वाली मिठाई पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।